नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 8th जनरल इंग्लिश लेसन 12 नाउ मोर अबाउट इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आसानी से आपको मिल सकें। दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आपको कैसा लगा अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर। व्हाट डज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर, इन्हें व्हील शब्द का क्या अभिप्राय है। आंसर देखेंगे, द वर्ड व्हील स्टैंड्स फॉर बो द वेपन। द वर्ड व्हील स्टैंड्स फॉर बो द वेपन, इन्हें व्हील शब्द का अर्थ कमान होता है जो एक हथियार है। व्हील शब्द का अर्थ कमान होता है जो एक हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द नेम ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी। मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी। एमपी में एमपी के जाति समृद्ध क्षेत्रों के नाम बताइए। दोस्तों, आंसर देखेंगे, द एरियाज इन विच ट्राइबल्स लिव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खरगोन, बरवानी, रतलाम, ETC। द एरियाज इन विच ट्राइब्स लिव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खरगोन, बरवानी, रतलाम, ETC। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिन जगहों पर एमपी में जनजाति पाई जाती है वो झाबुआ, धार, खरगोन, बरवानी, रतलाम इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज गटला। व्हाट इज गटला, यानी गटला क्या है। तो आंसर देखेंगे दोस्तों, आंसर है, गटला इज मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कार्वेड कवर्ड एंड ऑयल पेंटेड। गटला इज मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कवर्ड एंड ऑयल पेंटिंग पेंट्स, यानी गटला एक यादगार खंभा है जिस पर पत्थर नक्काशी हुई है। वह तेल चित्र सेल चित्र बने हैं, यहाँ पर तेल लिखा है, यहाँ सेल चित्र बने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू द व्हील वुमेन वियर। व्हाट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस डू द व्हील वुमेन वियर, इन्हें व्हील औरतें किस प्रकार के कपड़े पहनती हैं। आंसर देखेंगे, वुमेन वियर कलरफुल घाघरा विथ पोलका कांचली ETC, इन्हें औरतें रंग बिरंगे घाघरे पोलका व कांचली आदि के साथ पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ भील। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ भील, यानी भीलों के प्रमुख डांस कौन कौन से हैं या कौन से हैं। आंसर है, इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ द भील आर सोलो, लाहरी, पाली, डांडवड़ी, घोड़ो, डेंग, सोलो एंड छलवदी। यानी इम्पोर्टेंट डांस फॉर ऑफ भील्स आर सोलो, लहरी, पाली, डंडावदी, घोड़ो, डांग, सोलो एंड छलवदी। ठीक है दोस्तों, तो ये भीलों के प्रमुख डांस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज हु हैव गॉट रिकग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल। मेंशन सम ऑफ द नेम्स ऑफ द ट्राइबल पर्सनैलिटीज हु हैव गॉट रिकग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल। इन्हें कुछ भीलों के नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। आंसर देखेंगे दोस्तों, आंसर है सम ऑफ द ट्राइबल पर्सनालिटीज हु हैव गॉट रिकग्निशन एट इंटरनेशनल लेवल आर पेमा, फातिया, राम सिंह, उर्वटी, रानी, दुर्गावती एंड तेजन बाई। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनेशनल लेवल आर पेमा, फातिया, राम सिंह, उर्वेती, रानी दुर्गावती एंड तीजन बाई। इन जातियों के कुछ लोग जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, जिसमें पेमा, फातिया, राम सिंह, पर्वती, उर्वेती, रानी दुर्गावती व तीजन बाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हार्ट। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हार्ट, यानी भगोरिया हार्ट पर एक टिप्पणी लिखें। आंसर देखेंगे दोस्तों, आंसर है द वीकली मार्केट ए वीक बिफोर होली इज भगोरिया हार्ट। द विलेजर्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स एंड अदर देम स्वीट एंड स्नैक्स आइस कैंडीज इटीसी। द चिल्ड्रन एंजॉय द राइड ऑन द स्विंग। यानी कि द वीकली मार्केट आ बिफोर होली इज भगोरिया हार्ट। द विलेजर्स डांस अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड एंड ऑफर देम स्वीट एंड स्नैक आइस कैंडीज एट एटीसी। द चिल्ड्रन एंजॉय द राइड ऑन द स्विंग। यानी कि होली के से एक सप्ताह पहले साप्ताहिक बाजार को भगोरिया हाट कहते हैं। कब? होली से एक सप्ताह पहले। इसमें गांव वाले डांस करते हैं, दोस्तों व रिश्तेदारों को गुलाल लगाते हैं और उन्हें मिठाइयां व नाश्ता आदि करवाते हैं। बच्चे झूलों पर आनंद उठाते हैं।